है, अगर हमारा माइंडसेट क्लियर है तो हम बड़ी अचीवमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं, पर अगर हमारा माइंड क्लियर नहीं है तो हम कुछ भी अचीवमेंट नहीं कर सकते। आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक पर्सन है जो सपने देखता है, 15 दिन वो सपने देखता है डॉक्टर बनने का, 15 दिन इंजीनियर बनने का, फिर उसका सपना बदल जाता है 15 दिन बाद, फिर वो तीसरा सपना देखता है, उसके हर 15 दिन में सपने बदल जाते हैं या हर 2-4 दिन में उसके सपने बदल जाते हैं। वो अपने लाइफ में कोई सा भी बड़ा सपना कभी भी पूरा नहीं कर सकता। आपको एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, जिससे प्रकार आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँ माइंडसेट के। जैसे किसी पर्सन को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लाइफ में जो भी बनना है उसका माइंड में क्लियर गोल होना चाहिए, क्लियर मैसेज होना चाहिए। क्योंकि हमारा माइंड में, अगर हमें अपने माइंड को ग्रो करना है, सबसे जरूरी चीज है एक क्लियर गोल। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे, मुझे कहीं पे जाना है, अगर मैं ट्रेन से या बस से या किसी से भी जाना चाहूँ, अगर मैं किसी से कहूँ कि मुझे जाना है, वो मुझे कहीं पे भी लेके नहीं जाएगा, और लेके भी जाएगा तो पता नहीं कहाँ पे लेके जाए। पर अगर मैं उसे क्लियर बता देता हूँ कि मुझे जैसे आगरा जाना है तो वो आगरा लेके जाएगा, अगर मैं बोल दूंगा दिल्ली जाना है तो दिल्ली लेके जाएगा, अगर मैं बोल दूंगा कि मुझे तमिलनाडु जाना है तो वो तमिलनाडु लेके चला जाएगा, बस ट्रेन या किसी भी तरह में पहुंच जाऊंगा। पर मेरे पास सबसे पहला क्या चीजें क्लियर करते हैं, हम छोटे से छोटा काम करने से पहले हमें क्या करना है ये हमारे माइंड में हम क्लियर करते हैं, जब भी वो काम हमारा परफेक्टली पूरा होता है। अगर किसी भी काम को हमें पूरा करना है, जैसे अगर आपको जाना है, जैसे आपको दिल्ली जाना है, कल दिल्ली जाना है, तो उसके आपको पहले माइंड में क्लियर कर लेना है कि हाँ मुझे कल दिल्ली जाना है, आप कन्फर्म है कि जाना है, हाँ जाना है। अब इसके बाद आप कल उसके किसी से भी तरीके से या तो ट्रेन की टिकट बुक कर लेंगे या बस से जाना है तो उस बस को पकड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें गोल को डिसाइड करना है। हम जिस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में काम करते, इतना शानदार प्रोजेक्ट है, इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है, कह सकते हो एक प्रकार से समुद्र है, चाहे तो आप इसमें पानी बाल्टियों से निकालें, चाहे तो आप यहाँ पे जो टैंकर होते हैं उनसे भर के लाए, या एक टिल्लू पंप लगा दीजिए, वो आपको लगातार पानी आता रहेगा। आपको नेटवर्क मार्केटिंग एक पाइपलाइन की तरह काम करता है। हमारे माइंडसेट में हमें ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। जितना जबरदस्त और जितना शानदार बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि दुनिया में कोई सा भी काम, आपको मैं बता देना चाहूंगा, अगर हमारे पास, अगर हमें बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करनी है किसी भी क्षेत्र में, अगर सफलता पानी है, तो एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा शानदार सा बिजनेस है जिसके जरिए हम बहुत बड़ी ग्रोथ बहुत आसानी से पा सकते हैं। अगर आपको, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग एक पाइपलाइन की तरह काम करता है, पाइपलाइन का आपको मैं एक छोटी सी कहानी के जरिए समझाना चाहूंगा। एक गांव में 2 पर्सन थे, वहां पे पानी की कमी थी, तो एक पर्सन वहां पे बाल्टिया, एक कुआ था उससे बाल्टिया भर भर के ले जाता था, या एक तालाब था उसमें 5 रुपए में बेच आता था घर घर। वो दिन भर काम करता था और दिन में समथिंग 200 से 300 रुपये कमा लेता था। वो डेली काम करता था, 2 पर्सन थे, वो साथ में डेली काम करते थे बाल्टी से पानी भरने का, तो वो डेली काम करते थे, पैसे कमाते थे। अब एक पर्सन के दिमाग में आया, यहीं से हमारे माइंडसेट का पहला लेसन चालू होता है, कि हमारे एक पर्सन के माइंड में आया कि मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे, मतलब डेली की काम करने की दिक्कत खत्म हो जाए, प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो उसने उस टाइम पे मतलब कुछ चीजें सीखी और जानी, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं था, तो उस टाइम पे उन्होंने एक जो पानी के सुराहे होती है एक प्रकार से, या उनको बोल सकते हैं कि मतलब एक ऐसा, मतलब जो पाइप, सीमेंट की जो पाइप टाइप बनाए उसने गांव तक, और वहां पे एक मतलब जो मोटर टाइप होती है, या एक मोटर लगा दी, अगर आज के सिस्टम के हिसाब से समझे तो एक मोटर लगा दी, एक मोटर या एक मोटर फिट कर दी, और उससे वहां पे पाइपलाइन बिछा दी जो कि गांव में एक जाती है, और एक नल के जरिए वो पानी बांटने का काम करने लगा। अब वो दूसरा पर्सन डेली जाके उसमें जाता कुएं के पास,
जब वो पानी लाता तब उसको पैसे मिलते थे। वो सेकंड पर्सन सिर्फ उस पाइपलाइन को चालू करता, नल के पास खड़ा होता, सभी से पानी भरवाता और 5-5 रुपए तुरंत ले लेता। अब यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का पहला बिजनेस होता है कि यहाँ पे उसने पाइपलाइन तो बिछा दी, पर वो यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, वो अगले गांव में भी बिछा सकता है, तीसरे गांव में भी बिछा सकता है, ऐसे बहुत सारे गांव में, और कई आदमी रख के वो बहुत सारा पैसा कमा सकता है। जो फर्स्ट पर्सन था, सिर्फ वो अपने हाथ पैरों से खुद के बल पे काम कर रहा था, वो यहाँ पे सिर्फ 200 से 300 रुपये एवरेज का कमा रहा था, और वो सेकंड पर्सन उस टाइम पे उस गांव में भी कमा सकता है, अदर गांव में अपने बिजनेस को बढ़ा के कमा सकता है। सेम नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग एक पाइपलाइन की तरह है जिसमें हम खुद काम नहीं करते, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। हम कामयाब नहीं होते, हमारे साथ कई लोग कामयाब होते हैं। इस बिजनेस में इतना शानदार, इतना जबरदस्त बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे हम जब आगे बढ़ते हैं, जब हम दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। सेम ही पाइपलाइन की तरह, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार अच्छा नेटवर्क बना लेते हो, एक शानदार सी टीम बना लेते हो, शुरुआत में आपको पाइपलाइन की तरह मेहनत लगेगी, पैसा लगेगा, दिन रात एक होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, पर एक बार अगर आपका नेटवर्क बन गया और आपका नेटवर्क चल गया, तो वो आपको जिंदगी भर कितने पैसे कमा के दे सकता है, ये आप सोच नहीं सकते। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती है, शुरुआत में वर्क करना पड़ता है, करना तो पड़ता है, वर्क तो करें, क्यों ना 1 या 2 साल, 1 साल ईमानदारी के साथ इतना जबरदस्त काम किया जाए, या 2 साल इतना जबरदस्त काम किया जाए कि लाइफ टाइम में हमें पैसों की जरूरत, दिक्कतें ना आए, इतनी पैसों की प्रॉब्लम ना रहे। इसके लिए हमें, क्योंकि ऐसा है कि दो तरीके से काम करते हैं, कई लोग हैं जो मेहनत करने में, लोगों की कमी नहीं, यहाँ पे आपको समझने चाहिए, आपको पता होगा, एक मजदूर सुबह से काम पे लगता है तो समथिंग शाम को 5 बजे तक काम करता है, उसको मिलता है 300-400 रुपये, और दिन रात काम करता है, इतना मेहनत का काम उनके सर पे समथिंग बहुत वजन करता है, और आपको बता दे रिक्शा वाला दिन भर रिक्शा चलाता है, तो मेहनत की तो कोई कमी नहीं। अगर हम मेहनत करें और हमारे साथ में माइंड का यूज करें, दिमाग का यूज करें, तो हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि आपको वहीं पे अगर दिमाग की बात कही जाए, तो इसमें हमें दिमाग क्यों लगाना जरूरी है। यहाँ पे आपको बता देना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, अपनी सोच लगाने की जरूरत पड़ेगी, आपको इसको अच्छे से समझने की जरूरत पड़ेगी, इस अपॉर्चुनिटी को आपको अच्छे से जानने पड़ेगी, क्योंकि जितने अच्छे से आप इसको समझेंगे, जानेंगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग को उतनी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। कुछ चीजें बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, पहला काम है अपना गोल क्लियर होना चाहिए। माइंडसेट का सबसे पहला चीज है गोल। अगर गोल की बात की जाए, तो आपका एक क्लियर गोल होना चाहिए कि मुझे 2023 में ये करना है, 2023 में ये करना है। अब इसके लिए आपको सेकंड चीज है, मेहनत करने के लिए तैयार होना चाहिए, दिन रात एक करने के लिए तैयार होना चाहिए। आप कुछ भी गोल डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो सपने नहीं होते, जो हमें सोते हुए आते हैं, सपने तो वो सच होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। तो हमें ऐसे सपने देखने जो हमें सोने ना दे, हमें सुबह उठने को मजबूर कर दे, क्योंकि हमारे सपने इतने पावरफुल होने चाहिए, हमें उठने के लिए मजबूर कर दे। सेकेंड है, हमें काम करने के लिए मजबूर कर दे। और यहाँ पे काम आपको इतना मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको सीखना और सिखाने का ही काम है इस बिजनेस में, सीखना और सिखाने का ही काम है। आपको अपलाइन से लेना है, और अपने डाउनलाइन को, जो अपलाइन से सीखा है वो अपने डाउनलाइन को सिखाना है। तो सबसे पहले फोरसाच, अगर हम फोरसाच की बात करें, इसमें सक्सेसफुल लोगों की कमी नहीं है, समथिंग 5,000 से ज्यादा लोग फोरसाच प्लान में करोड़पति बन चुके हैं, जिनकी इनकम 1 करोड़ से 300 करोड़ तक इनकम की है। यहाँ पे ऐसे भी पर्सन है जिन्होंने फोरसाज में 300 करोड़ रुपये कमाए हैं। 300 करोड़ रुपये कमाना के लिए ऐसा है कि अगर कोई कमा सकता है, तो हम भी इस बिजनेस के जरिए अगर 5,000 लोग कमा सकते हैं, तो हम भी करोड़ों रुपये कमा सकते हैं।
अगर इस बिजनेस के जरिए समथिंग 13 लाख लोग लखपति बन चुके हैं, फोर्साज में आप सभी का एक आंकड़ा निकाला जाए तो समथिंग 13 लाख लोग इस बिजनेस के जरिए लखपति बन चुके हैं, तो यहाँ पे हम भी लखपति बन चुके हैं, बन सकते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आया कि अगर कोई किसी काम को कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक दो लोगों ने काम नहीं किया है ये लखपति बनने का और करोड़पति बनने का, समथिंग बहुत बड़ी भारी मात्रा में लोगों ने ये काम किया है। अगर कोई एक पर्सन करता तो हम मान सकते हैं समथिंग 5,000 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे करोड़पति बन चुके, और उन्होंने समथिंग 1 करोड़ से 300 करोड़, जो एक पर्सन है इडली नाम उनका कुछ ऐसे ही नाम है, उन्होंने समथिंग 300 करोड़ रुपए इस फोर्साज बिजनेस के जरिए कमाए। एक पर्सन है जिन्होंने 100 करोड़ रुपए की इनकम इस फोर्साज बिजनेस के जरिए की है। तो इन्होंने इतनी इनकम की है तो हम भी कर सकते हैं, पर हम कर कैसे सकते हैं इसके लिए हमें सीखना जरूरी है। सीखने के लिए हमें सबसे पहले तो फोर्साज प्रोजेक्ट को अच्छे से समझने की जरूरत है। फोर्साज प्रोजेक्ट क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंपोर्टेंट क्यों है, क्यों किसी देश का प्राइम मिनिस्टर इस टेक्नोलॉजी को बार बार प्रमोट कर रहा है, क्यों इंडिया का फ्यूचर बार बार कोई प्राइम मिनिस्टर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बता रहा है, कुछ तो इस टेक्नोलॉजी में खास होगा, कुछ तो इंपोर्टेंट होगा, क्यों इस टेक्नोलॉजी को दुनिया का सबसे सेफ सिस्टम माना जाता है, ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, किसी देश का वित्त मंत्री बोल रहा है, किसी देश का सबसे बड़ा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो रिजर्व बैंक है वो बोल रही है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। क्यों इंडिया अपनी डिजिटल करेंसी लाना चाह रहा है, क्यों अपने इंडिया ने अपनी डिजिटल करेंसी बनाई है, क्यों ब्लॉकचेन को यहाँ पे जो इस बार जो अपना प्रोजेक्ट आता है, क्योंकि वित्त मंत्री का यहाँ पे, तो उसमें सबसे जो मेन मुद्दा था वो क्रिप्टो करेंसी का ही था। इस बार इंडिया में जो तीसरे या चौथे नंबर पे जो सबसे मेन मुद्दा था वो क्रिप्टो करेंसी का था, क्यों इतना प्रभावित कर रहा है, कुछ ना कुछ खास बात होगी ही, क्यों इस पे करोड़ों लोग इसके पीछे पागल है, क्यों दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग क्रिप्टो करेंसी को बारे में बातें कर रहे हैं, इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। इस क्रिप्टो करेंसी ने अगर देखा जाए तो कितने सारे करोड़पति प्रोड्यूस किए। आपको मैं एक आंकड़ा बताना चाहूंगा, जिसने बिटकॉइन में 2009 में सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 1,000 एक नॉर्मल सा अमाउंट है, 2009 में अगर जिसने इन्वेस्ट किए थे उनका समथिंग अमाउंट बना था अभी समथिंग 56 लाख टच करके आया था अभी लॉकडाउन में, समथिंग 576 करोड़। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 1,000 रुपये के 576 करोड़ रुपये बनाए, जितना रिटर्न आज तक इतिहास में किसी भी संस्था किसी भी बिजनेस ने नहीं दिया उतना बड़ा रिटर्न क्रिप्टो करेंसी ने दिया है। और बात करें तो कई देशों की जो पूरी टोटल इकोनॉमी है उनको भी मिला दे, जब भी क्रिप्टो करेंसी का टोटल जो मनी इन्वेस्ट है वो भी ज्यादा बनता है, कई देश बिक जाएंगे, इतना पैसा इन्वेस्ट किया गया है लोगों का क्रिप्टो करेंसी में। अब इसके बारे में हमें हमारे माइंड में इसके बारे में कुछ चीजें समझने की जरूरत है, क्यों बार बार इसके बारे में न्यूजों में आता है क्रिप्टो करेंसी, क्यों इसे दुनिया की सबसे सेफ टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन किया जाता है। अब इन चीजों को हमें अपने माइंड के जरिए समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे माइंड में जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक हम इस बिजनेस में कोई बड़ी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जब हमें पता होगा कि हमें क्या करना है क्यों करना है, आपको सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना है कि हाँ मुझे सक्सेसफुल होना तो है इस बिजनेस में, पर क्यों मुझे इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, इन सारी चीजों को आपको समझना होगा। आपको पैसे तो कमाने हैं बहुत सारे, करोड़ों कमाने हैं, पर आपको एक क्लियर टारगेट देना पड़ेगा कि मुझे 1 करोड़ कमाने हैं। अगर आपको 1 करोड़ कमाने हैं तो फोर्साज के जरिए सिंपल है, आप करोड़पति बन सकते हैं। बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपने माइंड में क्लियर करना पड़ेगा कि हाँ मुझे करोड़पति इस बिजनेस के जरिए बनना है। जैसे 2023 में मुझे करोड़पति बनना है, अब इसका आपको रोड मैप अपने अपलाइन के जरिए मिल जाएगा, क्योंकि अगर बात करें तो बहुत सारे इस बिजनेस में करोड़पति है, आप
सीख सकते हैं कि अगर ये बने तो किस तरीके से इन्होंने काम किया, उसी सेम तरीके से हम भी काम करेंगे तो हम भी इस बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। अगर बात करें नेटवर्क की, आपका अगर माइंडसेट क्लियर है, क्योंकि आपके साथ सामने वाला पर्सन जब भी जुड़ता है, जब भी ज्वाइन करता है, सबसे पहले वो आपके साथ बात करता है। अगर आपको खुद पे भरोसा है, विश्वास है, जब भी वो आपके साथ ज्वाइन करता है, तो सबसे पहले आपको विश्वास लाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा अपना माइंड क्लियर करने की जरूरत है। आप फोरसाज में काम करें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करें, अगर किसी देश का प्राइम मिनिस्टर ब्लॉकचेन को बार बार प्रमोट कर रहा है, बार बार बता रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा ये दुनिया की सबसे सेफ टेक्नोलॉजी है। इसमें आपके साथ फ्रॉड, जैसे अगर इसे बंद नहीं किया जा सकता है, इसमें आपके साथ ऐसा नहीं है कि आपका जैसे जिसके पास पेमेंट जाना है उसमें मैकेनिज्म के हिसाब से, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जाना ही है। हमें क्लियर है कि एक्सट्रीम में किस तरीके से काम करता है, एक्सपोर्ट किस तरीके से काम करना, अब सिर्फ हमें मेहनत करने की जरूरत है। हमें मेहनत के लिए अपना गोल डिसाइड करना है, अपने हमें एक फोकस के साथ काम करना है, क्योंकि एलोन मस्क कहते हैं कि मैं सबसे पहला काम करता हूँ अपने आने वाले 10 साल के गोल को लिख लेता हूँ, एक रजिस्टर पे लिख लेता हूँ अपने आने वाले 10 साल के सारे जो मेरे लक्ष्य है, मेरे टारगेट है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इन्हें 1 साल में किस तरीके से पूरा कर दूं, और उसके लिए मैं पूरी तैयारी के साथ दिन रात एक करके मेहनत करता हूँ। ये बात एलोन मस्क ने कही थी, वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। सेम ही बात अगर मैं मान के चलिए, उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट क्रिप्टो करेंसी में कहा, उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड का फ्यूचर है वो क्रिप्टो करेंसी ही है, उन्होंने खुद कहा था, क्योंकि जो अभी जो करेंसी दुनिया पे अब राज करेगी वो क्रिप्टो करेंसी है। क्योंकि पुराने टाइम पे ऐसा था, पुराने टाइम पे सोना चांदी के सिक्के चलते थे, उस टाइम पे जिसके पास सबसे ज्यादा सोना रहता था वो सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति रहता था, सबसे रिचेस्ट पर्सन रहता था। पर आज का टाइम बदल चुका है, आज टेक्नोलॉजी का युग है, आज धीरे धीरे बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, सोने के सिक्के आना बंद हो गए हैं, जो सोने के सिक्के की जगह अब कागज के नोट, और कागज के नोटों की जगह अभी फोन पे गूगल पे में का यूज बढ़ गया। सेम ही अगर ग्रोथ की बात करें तो अब डिजिटल करेंसी भी आ गई है, जो अपना इंडिया देश भी उसे प्रमोट कर रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमारा खुद का माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हमें करना है या नहीं करना। कभी भी इस सिचुएशन में मत डालना अपने माइंड को, करना या ना करना, करना है तो दिन रात एक करने के लिए तैयार हो जाइए, दिन रात एक मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। पॉसिबल है यहाँ पे, अगर आप चाहें जितनी बड़ी इनकम कर सकते हैं, जितनी बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं, सिर्फ आपको अपना गोल डिसाइड करना है और उसके लिए काम करने के लिए रेडी होना है। अगर बात करें तो अगर आपको अपना गोल डिसाइड हो गया, आपका विजन डिसाइड हो गया, आपको अपने घर वालों के सपने, अपने सपने नजर आने लग गए, आप सीरियस हो गए, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको पता है कि आपको बहुत सारे लोग, जैसे मैम ने ही कहा था कि बहुत सारे लोग नेगेटिव करने आएंगे, आपको तोड़ने आएंगे, डेफिनेटली हजारों लोग आएंगे, आपको हजारों लोग आएंगे, पर आपके सपने उन लोगों के सपने नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता आप सक्सेसफुल हो या ना हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको फर्क पड़ता है। आपको मेहनत करनी है, आपको दिन रात एक करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा, अपने आप पे पूरा 100% विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपको खुद पे अगर विश्वास है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है आत्मविश्वास। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा लोग असफल होते हैं, सब इसका मुख्य कारण है आत्मविश्वास की कमी, डेफिनेटली आत्मविश्वास की कमी। आपका कोई टीम मेंबर काम नहीं कर रहा, उसे विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है। कोई आपके पास आप बहुत सारे टीम मेंबर होते हों, इसमें से कई टीम मेंबर बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, उसका कारण ही मेन रहता है कि उनको विश्वास नहीं हो रहा है, या तो खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है, या बिजनेस पे विश्वास नहीं हो रहा है,
तो सबसे पहले तो आपको विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि अगर विश्वास नहीं करोगे तो सफलता कहीं पे भी नहीं है। आपको मैं उदाहरण के तौर पे बता देना चाहूंगा, मैं स्टडी कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं समथिंग पहली से बारहवीं तक मैंने स्टडी की, इसके बाद मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ा, समथिंग अभी मेरे 15 साल से लगातार पढ़ ही रहा हूँ, लगातार ही पढ़ रहा हूँ। जब भी अभी मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे अभी तक किसी भी प्रकार से 1 रुपया भी मिला हो या किसी भी प्रकार से मुझे कुछ मिला हो, सिर्फ मुझे एक ही चीज मिली है, नॉलेज, ज्ञान। मैंने सीखा है पढ़ना लिखना, कैसे चीजें करते हैं, ये सारी चीजें मैंने सीखी है। पर सेम ही चीज रहती है कि यहाँ पे आप इस बिजनेस में सिर्फ 1 साल ईमानदारी के सीखते सीखते कर लीजिए, यहाँ पे आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर एक डॉक्टर भी बनता है तो समथिंग 5 साल तैयारी करता है, उसे 1 रुपया भी नहीं मिलता, और वो समथिंग 30-40 लाख 50 लाख रुपए खुद पे इन्वेस्ट कर देता है, 50-60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है खुद के MBBS करने में, उस पढ़ाई करने में सारी चीजें। और इतना पैसा लगाने के बाद, जब वो इतना पैसा लगाता है 50-60 लाख रुपए, और फिर वो डॉक्टर बनता है, समथिंग 5 साल उसे रूटीन के साथ पढ़ाई करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, समथिंग 15-15 घंटे पढ़ना पड़ता है। और आप, हम, मैं खुद की भी कह रहा हूँ, और इस बिजनेस में ऐसे बहुत सारे लीडर होंगे, कुछ ही लीडर होंगे जो 8 घंटे काम करते होंगे। मैं एक बार हैंड्रेस चाहता हूँ, जो लीडर समथिंग 8 घंटे 4-7 के लिए डेली काम करते हैं, वो अपना हैंड्रेस कर दीजिए। 8 घंटे डेली ईमानदारी के साथ काम करते हैं, वो अपना हैंड्रेस कर दीजिए। आठ घंटे डेली रूटीन के साथ डेली देते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करते हैं डेली पूरे महीने। लीडर समथिंग 80-90 लीडर्स 8 घंटे रूटीन के साथ काम देते हैं, समथिंग 900 लीडर्स में। हम इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं, क्यों हमारी सक्सेस होगी? समथिंग 90-100 लीडर डेली, क्योंकि ईमानदारी रखनी पड़ती है, अपने आप से ईमानदारी रखना, किसी और से, क्योंकि आप अपने आप से ईमानदारी रखिए, काम करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली 8 घंटे काम करते हैं तो डेफिनेटली 8 घंटे काम करते हैं। क्योंकि आपको मैं बता देना चाहूंगा, हम इस बिजनेस के लिए सिर्फ 8 घंटे देते हैं, जिस पर्सन को 200 रुपये दिए जाते हैं, सिर्फ 200 रुपये, वो कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे डेली काम, 8 घंटे काम करता है। जैसे अभी यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूंगा, यहाँ पे अभी गेहूं की कटाई चल रही है, समथिंग 200 रुपये दिए जाते हैं, 200 में वो 8 घंटे लगातार गेहूं काटता है, जब उसको मेहनत का 200 रुपये शाम को मिलता है। और आप यहाँ पे करोड़पति बनने आए हैं तो आपको कितने घंटे देने चाहिए? 8 घंटे तो डेली मिनिमम देना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं एक अलग बात होती है, पर आपको इस बिजनेस में, मैं आपको बता देना चाहूंगा, ईमानदारी के साथ सिर्फ 92 लोग 8 घंटा देते हैं। हमारी सक्सेस के लिए हमें इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, इस मंत्र को आज से लिखना पड़ेगा कि मैं अपने बिजनेस में डेली 1 घंटे डिसाइड कर लीजिए कि अगर मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ, कोई बिजनेस, कोई काम नहीं करता हूँ, तो समथिंग 8 घंटे तो डेली दूंगा, 8 घंटे तो डेली दूंगा। अगर आप 1 साल तक सिर्फ 8 घंटे डेली बिना मिस किए भी देते हैं, और ईमानदारी के साथ सही तरीके से बिजनेस सीख के अपने अपलाइन के गाइडेंस में करते हैं, डेफिनेटली आप करोड़पति बन सकते हैं। इस बिजनेस में इतनी पावर है, क्योंकि वो 200 रुपये मजदूरी में काम करता है डेली, वो अगर पूरे साल भी काम करेगा तो पूरे 1 महीने का समथिंग बनता है उसका 6,000, और पूरे साल भी काम करेगा तो 60-70 हजार रुपये कमाएगा। आप यहाँ पे डेली का 60-70 हजार रुपये कमाने की सोच रहे हो तो क्यों आप यहाँ पे 8-9 घंटे देने के लिए तैयार नहीं हो? तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करिए, अपने आप पे फोकस करिए, अपने आप में सुधार करिए, क्योंकि यहाँ पे हम करोड़पति बनने तो आए हैं, पर कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको सबसे पहला, मैं आपको लिखने के लिए बोलता हूँ, सबसे पहले वाक्य लिखिए आप कि बिना कुछ करे कुछ भी नहीं मिलता, या लिखिए
फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे पहला आप लाइफ का लेसन ध्यान रखिए, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। अगर इस बिजनेस में आपको करोड़पति बनना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि आपने मेहनत की तो डेफिनेटली सफलता है, 100% सफलता है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत नहीं करते हो तो सफलता नहीं है। या तो पैसे बना लो या बहाने बना लो। पहला रूल है कि बिना किए कुछ नहीं मिलना। यहाँ पे माइंडसेट का पहला लेसन है, आपको समझ में आ गया होगा। समथिंग 900 लीटर है, मैं जानता हूं कि क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मैं भी कई बार टाइम नहीं दे पाता हूँ ज्यादा बिजनेस को। पर हाँ, आज से हमें ठानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा या संकल्प ले लेना पड़ेगा। क्योंकि जब इंसान ठान लेता है ना, तो इतिहास बदल भी सकता है। कहते हैं कि मतलब जो पानी पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो डेफिनेटली इतिहास बदलता है। क्यों हम मेहनत करने के लिए तैयार ना? आप ऐसे 10 कारण मैं आपको बताता हूं आपको मेहनत क्यों करनी है। पहला, इस बिजनेस में आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे आपको स्टडी किया हो, आप यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हो, आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर किसी जॉब में जाते हो तो आपको उम्र, एज, सारी लिमिट पूछी जाती है, सब पूछी जाती है, ए टू जेड चीजें पूछी। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पूछा जाता, आप कैसे दिखते हो, कैसा आपका चेहरा है, कैसे आप पहनावा, कहाँ पे रहते हो, क्या करते हो, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपका यहाँ पे एक चीज देखी जाती है, यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है। आपकी उम्र 5 साल हो, 8 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, 80 साल हो, या 90 साल हो, या 95 साल हो, आप किसी भी एज में हो, कोई एज डिसाइड नहीं करती। बस आपका यहाँ पे मैटर करता है आपका खुद का, खुद पे कितना विश्वास है, खुद पे कितना भरोसा है, आप कितना देने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो आप अपने सपनों के लिए कितना देने के लिए तैयार है। आप एक रजिस्टर पे लिखिएगा कि हाँ मुझे बनना है करोड़पति। मान लिया मुझे करोड़पति बनना है, 2023 में करोड़पति बनना है। अब मुझे इसके लिए कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, डेली कितने घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ। अब आपका सबसे बड़ा चीज आएगी कंफर्ट जोन, सबसे बड़ी परेशानी। आलस कहेगा यार क्या बने करोड़पति, क्या जरूरत है यार, आराम से कट रही है जिंदगी, क्यों इसे प्रॉब्लम में डाले, क्यों इस छोटी सी जान को प्रॉब्लम में डाले। आपका कंफर्ट जोन ये कहेगा, आपका लक्ष्य टारगेट कहेगा तू मेहनत कर, सफलता है। अब आपको डिसाइड करना है कि सिर्फ 2 साल ईमानदारी से काम कर लूं और पूरी जिंदगी भर मैं पैसों की समस्या से फ्री रहूं, या आज एक दो साल बिल्कुल भी काम ना करूं और जिंदगी भर काम करूं, जिंदगी भर मेहनत करूं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या तो आज मेहनत कर लीजिए, आज बहुत आसान है, आज आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं, आज अपने मम्मी पापा के सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, पर उनके लिए आप कितने घंटे देने के लिए तैयार है। पहला, अभी मैंने एक आंकड़ा निकाला था, समथिंग 110 लोग हैं जो सिर्फ 8 घंटा देते हैं, 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, 24 घंटे में से अगर 6 घंटे की नींद हटा भी दी जाए, 7 घंटे की नींद हटा भी दी जाए, 8 घंटे की नींद हटा दी जाए, जब भी बचते हैं 16 घंटे, 16 घंटे में से 2 घंटे खाने पीने बाकी के कामों के हटा भी दिए जाए, जब भी बनते 14 घंटे, 14 घंटे में से 6 घंटा 7 घंटा अगर किसी जॉब में करते हैं, कोई काम करते हैं या घर का काम करते हैं, जब भी बचते हैं 7-8 घंटे, 8 घंटे अगर आप रूटीन के साथ बिजनेस को नहीं दे पा रहे तो डेफिनेटली सफलता कैसे होगी। यहाँ पे 90% लोगों का इनकम ना होने का कारण, उनकी सक्सेसफुल ना होने का कारण, वो 1 घंटे से ज्यादा बिजनेस को देते नहीं। सिर्फ ज्वाइन कर लिया है उन्होंने इस बिजनेस को और अब वो सोच रहे हैं कि कब करोड़पति बनेंगे, पर ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है कि इस बिजनेस के लिए मुझे करोड़पति बनने के लिए काम करने की जरूरत है, इस बिजनेस के लिए नेटवर्क बनाने की जरूरत है। उन नेटवर्क बनेगा, ऐसा नहीं है मेहनत, अगर मैं बहाने बनाता हूँ नेटवर्क नहीं बनता है, टीम नहीं बनती है, डेफिनेटली नहीं बनेगी। अगर मैं बहाने नहीं बनाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि हाँ नेटवर्क बना लूंगा, मैं बना लेंगे, क्योंकि हजारों लोगों ने नेटवर्क बनाया है, ऐसे कई लीडर है जिन्होंने हजारों हजारों की टीम, बहुत सारे लीडरों ने बनाई है, कई लीडर है जिन्होंने लाखों की इनकम की, कई लीडर है करोड़ों की इनकम की, पर हम भी कर सकते हैं,
पर एक चीज आपको लानी पड़ेगी, सबसे पहला मेहनत का गुण, पहला आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, डेफिनेटली सेकेंड है आपका गोल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको एक माइंड को क्लियर मैसेज देना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। ऐसा नहीं कि आप अपने माइंड को डिस्टर्ब रखिए, डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत रखिए। सबसे बड़ी असफलता का कारण आपका रहेगा आपका डिस्टर्ब माइंड। आपको कोई भी आके कह देगा कि अब तो धरती खत्म होने वाली है, तो आप उस बातों को मान लोगे क्या? एक 2012 में अफवाह उड़ गई थी कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है, और उस पर फिल्म भी बन गई थी 2-3, कई लोगों ने इसकी भविष्यवाणी भी कर दी गई थी, पर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। न्यूज़ों में भी बहुत टाइम तक ये टॉपिक चला था, लोग बहुत ज्यादा इससे डर गए थे, पर इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो ये चीजें रहती है कि अगर कोई कह देता है उससे कोई फर्क नहीं, आप खुद सोच सकते हैं सही क्या है, गलत क्या है, आपके लिए सही क्या है। इस बिजनेस को आपने समझा है, आपने सीखा है, आपको हर कोई बता सकता है। अगर आप, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा है कि अगर मतलब ऐसा है कि आपको कोई जानकारी दे रहा है क्रिप्टो मार्केट की नॉलेज की, जिसको क्रिप्टो मार्केट का बिल्कुल भी पता नहीं है, वो भी आपको क्रिप्टो का नॉलेज दे जाएगा अगर आपको सही नॉलेज नहीं है। सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है आपको मैं जानना चाहूंगा, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है राइट नॉलेज। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है राइट नॉलेज। अगर आपको कोई पर्सन को आप प्लान दे रहे हैं, अगर आपके पास राइट नॉलेज है ब्लॉकचेन का, क्रिप्टो का, फोर्स आज का, आप बहुत आसानी से उसे ज्वाइन करवा सकते हैं। अगर आपके पास राइट नॉलेज नहीं है, अगर सामने वाले पर्सन ने पूछ लिया ये ब्लॉकचेन कोई ऐसा चेन एंड सिस्टम होता है, मैंने एक पर्सन को कॉल किया था ब्लॉकचेन का, पूछ मैंने उनको बताया कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, अच्छा ये कोई चेन सिस्टम है, तो उन्होंने मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को नहीं समझा, उनको नहीं पता क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो उनको ब्लॉकचेन के बारे में फिर मैंने बताया कि अगर कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी है वो इस पे इस तरीके से रन करती है, फिर उनको सारी चीजें समझ में आई, उन्होंने इसके बारे में वीडियो देखी 2-3 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बारे में, उन्होंने नॉलेज लिया, फिर उन्होंने कहा कि हाँ अब मुझे समझ में आ चुका है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे अगर राइट नॉलेज हमारे पास है तो हम डेफिनेटली किसी भी पर्सन को समझा सकते हैं, अगर हमारे पास राइट नॉलेज नहीं है तो कोई भी पर्सन हमारे साथ क्यों ज्वाइन करेगा। सबसे पहले हमें इस बिजनेस का नॉलेज लेना है, और इस बिजनेस का नॉलेज कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी मुश्किल चीज है, बहुत आसान है। आप 1 घंटे के अंदर पूरा फोर्स चार्ज का प्लान समझ सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, सारी चीजों को समझ सकते हैं, इनकम कैसे आती है, ये सारा रोडमेप सिर्फ 1 या 2 घंटे में समझ सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिजनेस समझने में कम से कम 2 महीने 4 महीने साल भर लगेगा, सिर्फ 2 घंटे या 1 दिन में आप पूरा बिजनेस अच्छे से समझ सकते हैं, पूरी स्टडी कर सकते हैं, ज्वाइन करके अगले दिन से काम स्टार्ट करके आप यहाँ पे इनकम करना चालू कर सकते हैं, और विदिन अ सेकेंड आपके पास पैसा आता है। और नेटवर्क की बात करें तो आज का नेटवर्क बनाना बहुत आसान हो गया है। आसान इसलिए हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया के कारण ये बहुत आसान हो गया। बस हमें सोशल मीडिया का यूज सीखना है, अच्छे से यूज सीखना है, और हमें सिखाएंगे कौन, ये सारी चीजें हमें सिखाएंगे हमारे अपलाइन, इनके बारे में बताएंगे सोशल मीडिया के बारे में, क्योंकि बहुत टाइम से वो काम कर रहे हैं और वो बहुत आसानी से हमें बता देंगे। अब हम उनके गाइडेंस पे चल के या हम भी इसके बारे में यूट्यूब पे सर्च करके सीख सकते हैं। अब यहाँ पे इस बिजनेस में आपको सबसे पहला तो आपको एक रजिस्टर लेना है, पेन लेना है, आपको लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके अपने माइंड को ग्रो करना है, क्योंकि आपके माइंड को आपका माइंड क्लियर रहेगा, आपका माइंड एक प्रकार से शार्प फोकस के साथ रहेगा कि मुझे अब फोर्स चार्ज में काम करना है, डेफिनेटली 6 या 7 या 8 घंटे डेली देना है। अब 8 घंटे दोगे कैसे, आपको एक क्लियर आपके पास एक रजिस्टर में, या आप 3 रजिस्टर लीजिए, मेरे हिसाब से 3 रजिस्टर, आज कितने लोगों से बात की। सेकेंड रजिस्टर में आप लिखिए किन किन लोग इंटरेस्टेड लिस्ट में थे, और 3rd रजिस्टर में आप लिखिए किन कौन मतलब जो ज्वाइन करने तैयार है या प्लान समझने तैयार है 2rd रजिस्टर में, और 3rd रजिस्टर में कि आज मुझे कितने इससे बात करनी है, आज कितनों को कॉल करनी है और कितना काम करना है। आपके माइंड में ये सारी चीजें आप क्लियरिटी के साथ जाएगी, आपके लिए सब करना बहुत आसान हो जाएगा, इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना बहुत आसान हो जाएगा। पर अगर आज आपने मैसेज दिया अपने माइंड को कि मुझे आज 100 लोगों से बात करनी है,
और आप कल इस बात को भूल जाते हो। अगर आपके पास लिखित में होती है कि मुझे 100 लोगों से बात करनी है, आप डेफिनेटली करते हो और लगातार आगे बढ़ते जाते हो। तो ये सारी चीजें रहती है, और हमें ऐसा होना चाहिए अपने गोल के प्रति कि एक प्रकार से लेजर फोकस। लेजर फोकस क्या होता है, आपको मैं एक कहानी के जरिए बताना चाहूंगा कि बहुत पुराने टाइम की एक कहानी थी। जब मतलब गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे थे अर्जुन को, उस टाइम पे अर्जुन अर्जुन और पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे। उस टाइम पे कौरव पक्ष और पांडव पक्ष दोनों के मतलब सभी थे, उनको शिक्षा दे रहे थे। उस टाइम पे उन्होंने एक दिन सोचा कि मैं अपने शिष्यों के फोकस मतलब उनका अपने लक्ष्य के प्रति, टारगेट के प्रति कितना ध्यान है, या मेरी शिक्षा सफल हुई इसका बोल लेता हूँ, मतलब परीक्षा लेता हूँ। तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए एक चिड़िया को पेड़ पे टांग दिया लकड़ी की, और उसमें एक आंख थी उसकी छोटी सी। तो सभी शिष्यों को नंबर वाइज बुलाया। तो किसी शिष्य ने बोला, मुझे गुरुदेव आप दिख रहे हो, पेड़ दिख रहा है, पेड़ के पत्ते दिख रहे हैं और चिड़िया दिख रही है। उन्होंने पूछा, चिड़िया की आंख पे आपको निशाना लगाना है, अब तुम्हें क्या दिख रहा है? तो ये सारी चीजें पूछी। तो सेम ही उन्होंने बार बार शिष्य बोल, सेम ही दुर्योधन को बुलाया, उसने भी सेम जवाब दिया। युधिष्ठिर में सेम, सभी एक दूसरे का जवाब दे रहे थे। फिर भीम को बुलाया, तो मुझे तो गुरुदेव सिर्फ आम पे फल दिख रहे हैं, बाकी का कुछ नहीं दिख रहा है। बाकी का इसके बाद अर्जुन को बुलाएगा, उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ इसमें चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरुदेव ने पूछा, मैं दिख रहा हूं? नहीं दिख रहे हो। उन्होंने बोला कि निशाना लगाओ, और उन्होंने कहा कि तुम मेरी इस परीक्षा में पास हुए हो, तुम ही मेरे सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो। यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है हमारे बिजनेस से कि हमें अपने बिजनेस पे फोर्स पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आपको 4 दिन किसकी बात और पे बातें, कल इधर की बातों पे फोकस कर लिया, कल उधर की बातों पे फोकस कर लिया। अगर आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो आपको सफलता चाहिए, तो आपको 6 महीने 1 साल टिके रहना है। पहला पहला गुण आप में होना चाहिए, 2023 पूरा साल आपको टिके रहना है। आपका पहला डिसीजन होना है कि मुझे 4 साइज डेफिनेटली 2023 में पूरे साल करना है। पहला डिसीजन होगा कि आपका माइंडसेट क्लियर होगा कि 2023 में पूरे साल मुझे ये काम करना है। अब डेफिनेटली इसमें आप एक टारगेट ले सकते हैं कि मुझे यहाँ से 10 लाख कमाना है या 1 करोड़ कमाना है। सेकंड, आपका माइंडसेट क्लियर, अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे 8 घंटे देना ही है इस बिजनेस में। ऐसा नहीं है, मैंने अभी हैंडेस करवाया था, समथिंग 900 लोगों में से सिर्फ 100 लोग हैं जो 8 घंटे दे रहे हैं, मतलब ईमानदारी से सिर्फ 100 लोग काम करें, बाकी के 850 लोग को अभी काम नहीं कर रहे हैं टाइम पे। तो यहाँ पे इन चीजों को हमें ध्यान देना है, हमें 800 लोगों को सुधार करना है उन 100 लोगों, क्योंकि यहाँ पे सभी की इनकम जब भी होगी जब हम सभी मिलकर काम करेंगे, मेहनत करेंगे। सफलता डेफिनेटली है फोर्स आज में, अगर आप चाहो तो यहाँ से कितना भी पैसा कमा सकते हो, बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हो। क्योंकि कहते हैं कि एक साथ अगर आप सोचोगे करोड़पति बनने का, तो एक साथ तो नहीं बन सकते, पर अगर आप धीरे धीरे स्टेप लेते जाओगे, लगातार मेहनत करते जाओगे, तो एक दिन जरूर बन जाओगे। आपको लगातार आगे बढ़ना है, लगातार आपको सीखते रहना है। कहते हैं कि जैसे अगर आपको बिन कारण पता है, अगर आपका गोल क्लियर है, आपका माइंडसेट क्लियर है, तो एक प्रकार से ऐसा हो जाता है कि मुझे काम क्यों करना है, ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाती है। जैसे कि मैं आपको कहूंगा कि किसी दीवार को आप फोड़ दो, आप नहीं फोड़ोगे, डेफिनेटली नहीं फोड़ोगे। और मैं कह दूं उस दीवार के पीछे 100 करोड़ रुपए हैं, आप किसी से भी, आप चाहे गेती लाओगे चाहे पत्थर लाओगे, किसी भी तरह उस दीवार को तोड़ दोगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको गेती लाने की जरूरत है, या कोई भी आपको चीजें लाने की जरूरत है, या औजार लाने की, हथौड़ा लाने की जरूरत है, आप किसी भी तरीके से उस दीवार को तोड़ दोगे। सेम ही आपके माइंड में ये क्लियरिटी होनी कि हमें ये काम क्यों करना है और मेहनत क्यों करनी है। अगर आपके माइंड में ये क्लियरिटी आ गई, डेफिनेटली आप बिजनेस में सफल हो जाएंगे। आप लगातार अपने आप पे पूरा भरोसा रखिए, आत्मविश्वास रखिए, दृढ़ निश्चय रखिए कि हाँ मुझे करना है, डेफिनेटली चाणक्य की तरह। क्योंकि जब चाणक्य के पास 1 रुपया भी मतलब कुछ भी नहीं था, ना तो सेना थी, ना धन था, कुछ भी नहीं था, उसने सिर्फ एक डिसीजन लिया था कि मुझे यहाँ पे भारत में एक अच्छे शासन की स्थापना करनी है और धनानंद को यहाँ से साम्राज्य से हटाना है। और उसने इस डिसीजन को लिया और उसने एक सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की, भारत में एक अखंड साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य साम्राज्य की, चंद्रगुप्त मौर्य उसका शासन बना।
तो एक दृढ़ निश्चय में इतनी पावर होती है, पूरे एक देश का इतिहास बदल दिया। पूरे 300 साल का जो हजारों साल का इतिहास था वो कुछ ही टाइम में बदल दिया। सिर्फ एक पर्सन ने ठान लिया था, एक पर्सन ने संकल्प ले लिया था। सेम ही आपको संकल्प लेने की जरूरत है अपने बिजनेस में कि हाँ मुझे सफल होना है। सफलता है डेफिनेटली, पर आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए मजबूत। ऐसा नहीं है कि आपका माइंडसेट ही नहीं है, आपका क्लियर गोल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप करोगे क्या? आप ऐसा हो कि मतलब आपके लिए फिर दुनिया गोल हो जाएगी। आप कहाँ पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको खुद ही पता नहीं रहेगा। आपका अगला साल भी जैसे अदर साल गए वैसा ही रहेगा। और इस बिजनेस का तो ऐसा है कि आप समझ गए तो पैसे ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा। हमें समझना ही है। आगे मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, मोस्ट वेलकम है बंसिका मैम, आगे आप सेशन को कंटिन्यू करिए। सभी लीडर को नंबर वाइज इनवाइट करिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपके लिए जोरदार क्लैपिंग। आपने काफी 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 चीजें हमको समझाई है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, माइंडसेट का जो आपने बताया ना आज, बहुत सही बताया। क्योंकि फ्रेंड्स सर ने हमें कितनी सारी बातें बताई माइंडसेट के ऊपर। आई होप आपने वो सारी नोट बनाए होंगे और आपने सारी चीजें नोट करी होगी, ठीक है। क्योंकि सर ने हमें बताया फ्रेंड्स, अगर हम किसी रास्ते पे जा रहे हो और हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है तो हम कहाँ पहुंच पाएंगे, कहीं भी नहीं हम पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारा गोल अगर क्लियर होगा, हमारा माइंडसेट क्लियर होगा, तो हम सही रास्ते पर पहुंच पाएंगे, नहीं तो हम भटकते रहेंगे इधर से उधर, है ना। तो हमें हमारा माइंडसेट क्लियर रखना है। थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छा आपने सिखाया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम हमारे और भी काफी काफी लीडर्स है अच्छे अच्छे, जिन्होंने लाखों रुपए की इनकम यहाँ से अर्न की, हम उनसे सीखते हैं, उनसे पूछते हैं। फर्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी नेमराज सर को। मोस्ट वेलकम सर, आप आइए, हमें बताइए। और फ्रेंड्स पता है क्या होता है, जब हम सेशन स्टार्ट करते हैं तो हम थोड़े से डीमोटिवेट होते होंगे, हमारे चेहरे पर स्माइल नहीं होती होगी, ये सारी चीजें होती होगी। और सेशन देखने के बाद हम इतने खुश हो जाते हैं कि यार मतलब कितने सारे कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमा सकते, है ना। कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है फ्रेंड्स, एक अच्छी प्यार सी स्माइल के साथ बैठे, क्योंकि सब कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम नेमराज सर, प्लीज आप आइए और हमें गाइड कीजिए। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच वंशिका मैम, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आज आपने होस्टिंग की और वाकई काबिले तारीफ है आपकी होस्टिंग। स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर नीरज सर, जिन्होंने आज बताया कि हमारा जो माइंड है वो कैसा होना चाहिए, क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, ठीक है। और एक बात आपको बोलती है, सारा खेल जो है ये पूरा का पूरा माइंड सेट का है। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल सत्य भी है, ये बिल्कुल सच भी है। अपने आप को आप आने वाले एक साल बाद, दो साल बाद कैसा देखते हैं, आप अगर अभी से इमेजिनेशन कर पा रहे हैं, आप यकीन मानिए आने वाले एक से दो साल बाद आप वैसा बन जाओगे। मेरा नाम नेमराज है और मैं राजस्थान के नागौर जिले से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे जिन्होंने एक दो दिन पहले ज्वाइन किया है, जो पहली बार आज मीटिंग में आए होंगे, ठीक है। देखो जब स्टार्टिंग की थी ना तो मेरा भी ये माइंडसेट नहीं था कि एक साल बाद, डेढ़ साल बाद 71,000 लोगों की टीम बन जाएगी, 2 करोड़ रुपए के मार्निंग कर लेते हैं, कर लेंगे, ठीक है। यही माइंडसेट है, हाँ महीने का 30-40 हजार रुपए आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आज ऐसा है कि दिन का भी 30-40 हजार आता तो भी कम लगता है, ठीक है। ये माइंडसेट जो ग्रो हुआ है, ये हुआ है फोर्सेज की वजह से, नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। तो आज जिन लोगों ने ज्वाइन किया या 10 दिन पहले जिन लोगों ने ज्वाइन किया, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे दोस्त यकीन मानिए, अगर आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ फोर्सेज को करते हो, तो आने वाले 6 महीने से 1 साल में आपकी जो लाइफ है, आपकी जो जिंदगी है, वो टोटली बदल सकती है। लेकिन ये पहले से अपने माइंड को संकेत देना पड़ेगा, आपके माइंड को एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा कि हाँ जनाब आप कमा सकते हो, आप लाखों की टीम बना सकते हो, आप करोड़ रुपए की इनकम कर सकते हो। अगर आपका माइंड एक्सेप्ट कर रहा है, बिल्कुल यस आप कर सकते हो। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, खुद की मेहनत पे, खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है, तो मेरे दोस्त आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास करना होता है। आप चाहे कोई सा ही काम कर लो, चाहे फोर्सेज कर लो, चाहे और काम कर लो, चाहे कोई ऑफलाइन काम कर लो, या चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, जब तक आपको खुद की मेहनत पे विश्वास नहीं होगा, आप वो काम नहीं कर पाएंगे, उस काम में आप सफल नहीं हो पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपने फॉर्म लगा दिया, आप तैयारी भी कर रहे हो, लेकिन जब तक आपके जहन से ये आवाज नहीं आ रही कि नहीं आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपका नहीं होगा।
आपको खुद को आपकी मेहनत को देख के खुद पे यकीन हो जाना चाहिए कि बिल्कुल इस बार तो पेपर अपना क्लियर होना ही है। ठीक है, तो वही फोर्सेज में आप मेहनत इस तरह से करिए, मेहनत इतनी करिए कि आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ एक साल बाद मैं करोड़पति बनने वाला हूँ, कोई भी नहीं रोक सकता, और बिल्कुल आप बन सकते हो। मेहनत में कंजूसी मत करो, ठीक है, जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे करना क्या, हार्डवर्क तो करना ही नहीं है, धूप में तो कहीं जाना ही नहीं है, घर बैठे रहो फैन के नीचे, ऐसे चलाओ कूलर चलाओ, आपके पास जो आपके फोन है, आपका जो स्मार्टफोन है आपके हाथ में, इसका अच्छे से यूज करो, सही तरीके से प्रमोशन करो, रिजल्ट आएगा। हम लोगों ने क्या किया, हमने कुछ अलग थोड़ी किया है, हमने भी सोशल मीडिया का अच्छे से यूज किया, अच्छे से प्रमोशन किया, मेहनत की है, स्मार्ट वर्क किया, और आज उसी का नतीजा है, आज उसी का रिजल्ट है। दोस्त आप भी कर सकते हो, आपके पास भी सेम चीजें हैं। ठीक है, सिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं, आपके अपलाइन लोग तैयार हैं, सीखना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और अगर आप कर लेते हो तो आपके जो सपने वो सच भी हो जाएंगे। ठीक है, तो जो चीजें नीरज सर ने बताई है, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हो, आप उन पे काम करते हो, अपने माइंड को ग्रो करते हो, ग्रोथ माइंड सेट अगर आप बनाते हो, पॉजिटिव आप रहते हो, ठीक है, और पेशेंस के साथ काम करते हो, धैर्य के साथ काम करते हो, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, बहुत अच्छी इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, हैंडसम इनकम आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, आप यहाँ से लखपति बन सकते हो, आप यहाँ से करोड़पति बन सकते हो, आपका हर एक सपना यहाँ से सच हो सकता है। बस मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये छोटा सा मैसेज, 5 मिनट और है, आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा वापस से वंशिका मैम को। मैम आप आइए, और जो हमारे कोहोर्ट साथी है आप उनको इन्वाइट कीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने काफी कुछ अच्छा सिखाया हमें, और आप इतनी अच्छी इनकम यहाँ से ले रहे हैं, और देखिए फ्रेंड्स सर ने भी पहले सोचा होगा, उसके बाद इतना सब कुछ हो पाया है। सर बहुत कुछ बहुत ही अच्छा लगा, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी सिंह सागर सर को, मोस्ट वेलकम सर, आप आइए, टाइम कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल के, मोस्ट वेलकम सर। ओके सर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट अमित कुमार सर को मैं बुलाना चाहूंगी। अमित कुमार जी सर आप खुद को अनम्यूट कीजिए। ओके कोई बात नहीं, जो भी को होस्ट है वो अनम्यूट हो जाए, जो भी यहाँ पे बोलना चाहते हैं, जो भी को होस्ट है यहाँ पे बोलना चाहते हैं वो अनम्यूट हो जाए, मोस्ट वेलकम। ओके थैंक यू सो मच मैम जी। जी सर मोस्ट वेलकम सर, बताइए, हमारे पास टाइम थोड़ा कम बचा है। हेलो ओके हेलो यस यस मैम, एक्चुअली बहुत अच्छा आज का सेशन रहा, और सो थैंक्स, आपने जो बहुत अच्छे से आपने होस्टिंग किया, और मैं सबसे बड़ा थैंक देना चाहूँगा नीरज सर को, जो माइंडसेट के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया। सो होप कि जितने भी आज पार्टिसिपेंट हैं इस सेशन के अंदर, कहीं ना कहीं माइंडसेट के ऊपर उन्होंने बताया तो क्लियर हो गया होगा। सो मैंने भी काफी चीजें यहाँ पे जाना, सो डियर ऑल मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि जो माइंडसेट होता है ना हमारा, दो तरह का होता है, एक फिक्स माइंडसेट होता है, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। बट ये जो ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है ना, उसमें सिर्फ 5% लोग ही आते हैं, और 95% वाले जो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं वो अपने आप को मान लेते हैं कि मुझसे कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि अब कोई उनको बोल दिया कि ये चीज गलत है, तो वो मान लेते हैं कि ये चीज गलत है, लेकिन उसके डेप्थ तक जाके उसकी नॉलेज नहीं ले पाते हैं कि वाकई में ये गलत है या सही है। राइट, अगर हमें कोई भी चीज बोलता है, अगर मान लो आप मार्केट में गए, आपको किसी ने बोल दिया कि फोर्से तो गलत है, फोर्से तो स्कैम कर जाएगा, तो हम उसकी बातों को मान लेते हैं, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि भाई हमसे ज्यादा नॉलेज तो इसके पास है। बट मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि कभी भी किसी की बात मत सुनो, आप अपना खुद का प्रैक्टिकली जो नॉलेज होता है ना उसके ऊपर चलो। आप पहले ब्लॉकचेन के अंदर जाओ, डिसेंट्रलाइज जाओ, है ना,
कैसे ये सारी चीजें वर्क करती है, ये सारी चीजें खुद के ऊपर आप पहले इसको स्टडी करो। बहुत सारे वीडियो हैं, अगर नहीं आपका अपलाइन एक्टिव है तो आप पर्टिकुलर जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सारी चीजें सर्च करिए, ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीजें यूज होती है, लोग यूज कर रहे हैं, देन इसके बाद आप अपना नॉलेज लीजिए, फिर आगे काम करिए। बहुत सारे हमारे नए साथी होते हैं, ज्वाइन तो हो जाते हैं बट मार्केट में निकल जाते हैं आधा अधूरा नॉलेज लेके। बट वहां पे हमें क्या है कि मार्केट बहुत ही डिफिकल्ट है, यहाँ पे एक एक से ऐसे लीडर मिलते हैं जो आपको निगेटिव कर देते हैं। तो आपको डेप्थ तक जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप इस सिस्टम के अंदर सक्सेस नहीं हो पाओगे। और ये जो है ना बिजनेस है ना, ये कोई जॉब नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है, एक बिजनेस है, आप इसको बिजनेस समझ के काम करो, राइट। जैसे कि हमें किसी बिजनेस को स्टार्ट हमने किया तो पहले मार्केट हमें बनाना पड़ता है, क्लाइंट बेस बनाना पड़ता है, जाके लोगों को बताना पड़ता है कि भाई मैं एक बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, सो आप भी हमारे बिजनेस के माध्यम से आप हमारे प्रोडक्ट को लीजिए, इसको यूज करिए, हाँ हम आपको इसे सर्विस देंगे। तो सेम थिंग आप अपने बिजनेस को प्रमोट करिए, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें क्या करना है सिर्फ सोशल मीडिया का यूज करना है। सोशल मीडिया क्या होता है, एक बहुत बड़ा मार्केट है। आज जितने भी देखिए आप चाहे तो ऑल ओवर में आप किसी से भी आप कनेक्ट हो सकते हो, वो आपसे कनेक्ट होते हैं और आपका बिजनेस बूम करता है, ठीक है। तो हमें सोशल मीडिया का इस तरीके से यूज करना है, आप अपना स्टेटस अच्छे से मेंटेन करिए, आपका फेसबुक अच्छे से मेंटेन करिए, है ना, हर एक चीज अच्छे से मेंटेन करिए, वहां पे आपका प्रोफेशनल दिखना चाहिए। आप डेली हर एक दो घंटे में चार घंटे में कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहिए, बैठने से अच्छा है, खड़े होने से अच्छा है कि चलते रहिए, एक एक कदम अगर आप चलोगे ना रोज कुछ, तो एक एक कदम आपका जो है ना वो सक्सेस की तरफ लेके जाता है, राइट। तो हमें पहले किसी का भी कोई भी इतना मोटिवेशन आपको दे दे, सोनू शर्मा आ जाए, अब उनसे पैकेज देके भी उनका आप मोटिवेशन ले लो, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझाई जाती है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक आपके अंदर का लीडर नहीं जागेगा, जब तक आपके अंदर का डर नहीं भागेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हमें प्रिपेयर होना है, हमें तैयार होना है खुद का, क्योंकि मोस्टली जो है 90% जो लीडर है ना आज डर है उनके अंदर कि मैं क्या बोलूं, कहां से शुरुआत करूं, कैसे बोलूं मैं सामने वाले को, ठीक है। तो पहले ये देखिए कि पहले आप ये सोचिए कि बेसिक चीजें इसकी क्या है, कहां से हमें शुरुआत करना है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, फोर्सेस का प्लान क्या है, इसके एमडी सीएमडी हैं नहीं है, 100% इनकम कैसे आती है, ये बहुत सारी चीजें हैं। आप इसके ऊपर पहले स्टडी करिए, एक पॉइंट्स को आप लिखिए और उसको आप स्टडी करिए, देन इसके बाद आप मार्केट में जाइए, देखिए आपका माइंडसेट भी बनेगा, आपकी टीम भी बनेगी और आपकी इनकम भी होगी, और बहुत इंजॉय करके आप इसको काम करोगे। सो थैंक यू हंसिका मैम, वंशिका मैम, जो आपने बोलने का मौका दिया, सो ओवर टू यू मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने काफी कुछ हमें अच्छी अच्छी बातें बताई। तो फ्रेंड्स लगभग हमारा टाइम खत्म हो चुका है, खत्म होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर इन लीडर्स को हम दिन भर सुने ना तो भी कम है ना, क्योंकि इनके अनुभव से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। इनके अनुभव से जो हमारी चार गुना मेहनत लगनी होती है ना, वहाँ हमारी दो गुना मेहनत में काम हो जाता है। सो थैंक यू सो मच सभी लीडर्स को, नेमराज सर, नीरज सर, सुनील सर, सूरज सर, आप सभी को थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया, थैंक्स अ लॉट। एंड सभी लीडर्स जो भी इस मीटिंग में बैठे हैं एंड तक, उन सभी को भी थैंक यू। आप सभी सीखने वाले चार्ट रखने वाले हैं जो अभी तक इस सेशन में, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर।